सियासी घमासान में इसमें कोर्ट को घसीटने की जरूरत क्या है? खुलेआम देश में अगर आपके कद्दावर नेता, आपके सीनियर नेता अगर सीधा ये कहेंगे कि छोटे मोटे जजेस के कारण देश में नफरत फैल रही है, आप तो असंतोष पैदा कर रहे हैं ना कोर्ट के खिलाफ जनता के बीच में। देखिए प्राची जी, जो भी लोअर जुडिशरी का फैसला होता है वो बहुत बार हाईकोर्ट ने बदले और हाईकोर्ट के जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बदले। सभी संवैधानिक संस्था जो है उस पे हम अपना 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 जवाब दे सकते हैं, हम अपनी राय रख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हाईकोर्ट के फैसले, बहुत ऐसे बड़े बड़े फैसले हैं जो हाईकोर्ट के फैसले दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दरकिनार कर दिया, तो बिल्कुल यूटर्न लेके बदल दिया गया। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा थोड़ी है कि वो फैसले आखिर फैसला है। आखिर फैसला है जी कि आप लोअर कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये हक इस देश में कि आप खुले तौर पर न्यायपालिका के खिलाफ असंतोष फैलाएंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, छोटे मोटे जजेस से क्या मतलब है सर? देखिए 19 जब आपका ये फैसला आया 19 तारीख का, उसी तारीख में सर्वे हो गया। आप देखिए उसमें किसी पार्टी को बुलाया नहीं, एक्स पार्टी जजमेंट फैसला दिया गया, उसमें वो जो है वो राष्ट्रीय धरोहर ASI की जमा मस्जिद वो ASI के अंदर आता है। क्या ASI वहां पे पार्टी थी? क्या ASI ने वहां पे अपना जवाब दाखिल करा? ये तो मस्जिद बहुत पुरानी है, इसमें तो ASI की राष्ट्रीय धरोहर आपकी मोदी जी की जो संस्था उसके अंदर आती है। जिस संविधान की दुहाई आपके नेता दे रहे हैं, जिस कानून की दुहाई आपके नेता दे रहे हैं, उस कानून उस संविधान पर यकीन करके जाइए हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में अगर आपकी याचिका नहीं है तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, आपको कौन रोक रहा है? खुलेआम आपके सीनियर लीडर अगर ये कह देंगे कि छोटे मोटे जजेस के कारण नफरत फैल रही है तो असंतोष पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप न्यायपालिका के खिलाफ? असंतोष तो लोगों में पहले ही बहुत फैला हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर रही है और ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से उपचुनाव में बेईमानी की परिकाष्ठा हुई है उससे बचने के लिए, और कहीं ना कहीं जो इनके मित्र अभी फंसे हैं उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ये ध्यान भटका के संभल से लेके अजमेर जाएंगे और अजमेर से लेके कन्याकुमारी। अब प्रवेश चौधरी जी, ये होड़ कहीं पर जाकर रुकेगी कि नहीं रुकेगी? आज इस होड़ में देश की संस्कृति, देश की प्रथा, देश की एकता सब कुछ आके वाले हो जाएगी। हिंदू हमेशा देश की संस्कृति में विश्वास करता है और देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, हिंदुत्व ही भारत की संस्कृति है, हमारी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। और अगर हिंदू समाज के मन में आता है किन्हीं स्थानों को लेकर के, हमने तो कहा था 80 के दशक में कि 3 स्थान हमें दे दीजिए, काशी पे हमने कहा, मथुरा पे हमने कहा, अयोध्या पे हमने कहा, आप माने नहीं माने आप जानते थे, लेकिन देखिए हिंदू समाज की आस्था, हिंदू समाज के संविधान के प्रति उसकी आस्था क्या है कि हम जानते थे कि प्रभु राम का जन्म उस अयोध्या में हुआ है, हम जानते थे, हमारा विश्वास था, वर्षों से हम सुनते आ रहे थे, लेकिन हम कोर्ट में गए, क्या इनका विश्वास है कोर्ट में? अगर अजमेर का लेकर के विषय हो, संबल का विषय हो, कोई भी विषय हो, उस विषय में अगर हिंदू समाज कोर्ट में जाता है वो सीधा आंदोलन करने की बात नहीं करता, वो नहीं कहता कि अजमेर को तोड़ो और वहां पर हमारा मंदिर है, वो कोर्ट में जाता है, कानूनी प्रक्रिया में जाता है, और कानूनी प्रक्रिया में जाकर के वहां से अगर कुछ निकल कर आता है तो उसको मानता है। क्या इनका विश्वास है? इनका विश्वास नहीं है। आप संबल का विषय देख लीजिए, संबल के विषय में कोर्ट कह रहा है तब आदेश पर वो लोग जा रहे हैं, अब उन पर पत्थर आप मार रहे हैं। ऐसे ही अजमेर के अंदर आप देखिएगा ये पत्थर ब्रिगेड जो है वो तैयार मिलेगी आपको, क्योंकि इनका विश्वास इस देश के कानून में, संविधान में नहीं है। कारण क्या है? मदनी साहब कह रहे हैं साहब ये पार्लियामेंट भी हमारी है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। अरे भाई, उन अक्रांताओं से, चोरों से, लुटेरों से, उन मुगलों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम तो इसी भूमि के हो, तुम कहते हो ना कि हम भारत के हैं, तो हम भारत के हो, भारत के मूल के हो, प्रवेश तो उनकी बनाई हुई अजमेर शरीफ की दरगाह की आस्था और क्यों उसके है? प्रति आस्था या उसके अनुयायी अब से तो नहीं है, पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा है, देश की धरोहर है, उस पर विवाद करके आप देश को पीछे धकेल रहे हैं कि नहीं धकेल रहे? विवाद नहीं कर रहे प्राची जी, सॉफ्ट कन्वर्जन का एक बड़ा तरीका ये लगाया गया इस्लाम के द्वारा। इस्लाम में दो इस्लाम, एक रेडिकल इस्लाम और एक सॉफ्ट इस्लाम। तो सॉफ्ट इस्लाम ने सबसे ज्यादा कन्वर्जन इस देश में किया है। ये जो चिश्तियों का जो सिस्टम है और जो ये मजारे हैं,
ये सॉफ्ट इस्लाम का एक बड़ा बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके माध्यम से कन्वर्जन का काम चलता है। अजमेर और अजमेर के आसपास हिंदू समाज कैसे कम होता चला जा रहा है, 800 सालों से आपको नहीं पता था कि अजमेर शरीफ के नीचे महादेव का मंदिर है। आज उनका एक हिंदू पक्ष को पता चलता है, आप कोर्ट में जाकर याचिका लगा देते हैं, हर जगह हर मस्जिद को खुदवाया जाएगा क्या इस देश में? ऐसा नहीं कह रहे हम ऐसा नहीं कह रहे। हिंदू समाज का कहीं पर उनकी आस्था जुड़ी है, वो वहाँ प्रश्न खड़ा करते हैं, वो सीधा लड़ने नहीं चले जाते सर, जो सीधा लड़ने नहीं जाते। जो वैसे साहब कह रहे हैं कि कल को हम जाकर कह दें कि यहाँ आपकी पूजा होती है, हमें यहाँ नमाज अता करनी है, ये हमारी मजहबी धरोहर है, तो फिर आप लोग कहेंगे मजहबी रंगदेश को चलाना चाहते हैं, मतलब उन चोरों की संपत्ति को अपना संपत्ति, वो शासक थे पहले, ठीक है, वो शासक, आप उनके साथ अपना लगाव क्यों सोचते हो?